अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कसवर अब्बास, नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूं। और हम सब दोस्त मिलकर आज मिसवाक बनाने आए थे, मिसवाक बनाया है और अब हम जुमेरात का दिन है, सैर पर चलते हैं। एक दोस्त के इंतज़ार में खड़े हैं, मार मेहदी के इंतज़ार में, अभी वो पहुंच रहे हैं और हम सैर पर जाएंगे और वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाएँगे, फसलें वगैरह किस तरह कटाई हो चुकी है, किस तरह फसलें अभी खड़ी हैं वो भी दिखाएंगे और अपने लोगों से तजिया भी लेंगे कि सैर पर जाकर उन्हें क्या महसूस हो रहा है। ये सब हम दोस्त सैर पर रवाना हो चुके हैं, इस वक्त जाते हैं, कुछ कदम सैर करते हैं कुछ किलोमीटर फरसख चलते हैं ताकि सेहत तंदुरुस्त रहे। और अपने दोस्त जो ये अली भाई, मुमताज़ भाई और शहर की जान मेहदी खान, उनसे पूछेंगे भी सही। तो एक मिनट खड़े हो जाएं, अभी जैसा कि आपको पता है कि व्लॉग बन रहा है, माधी जी मिसवाक हमारे साथ है, हम मार रहे हैं मिसवाक और चल रहे हैं शहर की तरफ ऐसे ही। तो आप ये बताएं कि शहर पर जाकर आपको क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, जानना चाहिए सैर सपाटा करने के लिए। सही बात है। अली भाई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सैर से ज्यादा हमारे प्यारे भाई, बस इनके साथ टाइम स्पेंड हो जाए बस। हां, वेरी गुड। हम तो आज ना हमें तैनू की महसूस हो रही है सैर ते आके? सैर तो बड़ी अगे हमने है, लेकिन आज की रिफ्रेशमेंट ही ते नई महसूस हो रही है। सारे इकट्ठे बजे हैं, सारे इकट्ठे बड़े खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बाकी कोई नहीं मर जाए बस ऐसा ही बस। हां ठीक हो गया। अच्छा, हमारा एक दोस्त जो मारजा दे बरवाना शहर यार के बड़े भाई, वो ट्रेनिंग करने के लिए सरगोधा चले गए हैं, तो पता नहीं सरगोधे कदा हट दे। शहर यार से पूछते हैं, शहर यार कब गया जहाँ दे सरगोधा ट्रेनिंग पे? वापस पहली तारीख को आ जाए। पहली तारीख को, यानी कि अब कितने दिन पड़े हैं उसके वापसी में? 11 दिन वो सरगोधा रहेगा और ट्रेनिंग करेगा और इंशाल्लाह उसके बाद वो भी हमारे साथ शहर पे जाएगा, जिस तरह हम सब लोग जा रहे हैं इस वक्त। तो जैसे हम आगे जाएंगे, न्यूज़ अपडेट ताज़ा ताज़ा आपको देते रहेंगे। ये सारे हंस रहे हैं पीछे से, ताकि मेरी गुलाबी उर्दू है ना यार, इन्हें पता कोई नहीं आले। तो सारे बिरावन ये इल्तजा है, मेहरबानी की करो चैनल में सब्सक्राइब लाजमी किया करो, वे दे सिर्फ खोल के हाथ बन दो। जैसा कि आपको दिखाया है इससे पहले, बात करने से पहले, कि चावल की फसल यहाँ पर बहुत ज्यादा काश्त की जा चुकी है और अब तो वो पक चुकी है। तो हमारे शहर यार भाई ने भी कुछ हिस्सा अराजी का जो है वो चावल की फसल काश्त की है, तो इनसे पूछते हैं कि मार जी, आपने कितना रकबा चावल काश्त किया हुआ है, कितने रकबे पर? 11 एकड़ पर इन्होंने चावल की फसल काश्त की हुई है। उसके अलावा और कोई चीज आपने काश्त की हुई है? नहीं, सिर्फ चावल है। सिर्फ चावल है। और क्या पोजीशन है आपकी फसल की, के आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आपकी फसल कितनी निकल जाएगी औसत फी एकड़? इस बात का कोई पता नहीं, ठीक है ना, ये गैस लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जो उच्चा ही बोल मूं वाडा बैठा, तो मैं वॉल्यूम बढ़ावना है, लेकिन इतना अच्छा। नहीं बढ़ता, ये मैं बीचू काट कर लई संभड़ंदी रहो, बाकी ठीक खड़ी है। अच्छा, और बाकी फसल ठीक है? हां बाकी ठीक है। तो मादी भाई की सारी फसल माशाल्लाह ठीक खड़ी है। फसल के बाद कोई पार्टी वगैरह आप हमें दे रहे हैं, क्योंकि पहली मर्तबा आपने अपनी खुद की अराजी काश्त की है? हाँ, कुछ देंगे। सॉरी, कुछ देंगे, कुछ वो कह रहे हैं। हमने बाल्टी नहीं मांगी मादी भाई, हमने बाल्टी नहीं मांगी, आप हमें ट्रीट दे रहे हैं फसल की, कि आपने जिंदगी में पहली मर्तबा फसल काश्त की। हाँ देंगे, तो नहीं नहीं मिठाई नहीं ना, मिठाई नहीं मादी भाई, ये गलत बात है। खाना देंगे आप? हाँ, खाना देंगे आप? बिल्कुल खाना देंगे, बेहतरीन वाला। बेहतरीन वाला हेड मेडल का टेंशन छोड़ो।